अल्मा पढ़ाओ यहाँ प्रभुपाद से सारी माताओं आपको बताने का अभी तक तो बहुत कुछ बताया गया आपको, बस एक ही चीज संदेश बताना चाहते हैं जो अपने गायत्री परिवार का मिशन का जो अपना अभियान भी है वो ये बताया जाता है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। हमको क्या करना है, यहाँ जो कुछ भी हमारे सर जो बताते हैं, हमारे सर जो बताने का प्रयास करते हैं उसमें बस आपसे निवेदन है, जो कुछ भी बताया जाता है आप प्रयास करिएगा इसको आत्मसात करने का। क्योंकि जब आप आत्मसात करते हैं, अभी तक लोग क्या कहता था, अभी तक लोगों को कहना होता था कि जैसे समाज बहुत बुरा है, सब लोग क्या कहता था, सब लोग ये कहता था समाज बहुत बुरा है। लेकिन कल की डेट में क्या होगा, जब आप अच्छे होंगे, जब यहाँ से आप पढ़ते हैं संस्कार की बात करेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे गाली गलौज नहीं करेंगे, तो कल के डेट में आपसे लोग सीखेगा और लोग आपसे पूछेगा, लोग आपसे सीखेगा भाई आप गायत्री मंत्र करते हो तो आपसे अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो आप क्या करें, जो कुछ भी बताया जाता है छोटा छोटा सा जो कुछ बताया गया, जैसे गायत्री मंत्र बताया गया है, तो आप क्या करिए खुद करिए, गायत्री मंत्र खुद करिए और दूसरे को भी बताने का प्रयास करिए कि गायत्री मंत्र जब हम करते हैं तो हमारे अंदर पढ़ने का आता है, हमारे अंदर जो बुराई है वो छूटता है। और दूसरी बात, अगर जो छोटे छोटे जो बताया जाता है, जैसे आप सिनेमा नहीं देखते हैं तब क्या फायदा होता है, अच्छा साहित्य का भी पढ़ा करिए, अच्छा किताब जिनका भी पढ़ने का हो, जैसे महात्मा गांधी हो। कभी कभी एक चीज हम लोगों में क्या कमी हो जाती है, जैसे हमारे अंदर कोई अगर छोटी सी बुराई हो, जैसे हम सिनेमा देखते हैं, मान लीजिए किसी को गाली दे देते हैं, तो हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं अपने बारे में कि हम बहुत बुरे हैं। लेकिन आज तक जितने भी समाज के महान लोग हुए हैं तो उन लोगों में क्या था, सब लोगों के जीवन में बुराई था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने बुराई को हटाया। तो आपसे भी निवेदन है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और माता जी, जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि हम माता जी के जो गुरुदेव होते हैं, माता जी होते हैं जिसके संरक्षण में ये काम करता है चलाया जा रहा है, तो माता जी का आश्वासन है, माता जी ने कहा है, माता जी ये कहे है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप संस्कार शाला में पढ़ने आते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, और जब आप पढ़ाते हैं तो भी आप महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन यही है कि अपने आप का खूब आत्म परिष्कार करिए, गुरुदेव माता जी आपके जीवन में शक्ति प्रदान करे ताकि आप समाज को एक नई दिशा दीजिए। इसी के साथ मैं अपने गाने को विराम देता हूँ।